नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं सातवीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग दो का पुनरावृत्ति वाला भाग, और ये है पाठ 9 से लेकर 12 तक, और इसे दिया गया है पृष्ठ संख्या 72 पर, 72। तो इसे हम करेंगे आज। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर चुनिए। आपको विकल्प दिए गए हैं, उनके उत्तर आपको चुनने हैं। हर प्रश्न का मैं आपको हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी और उत्तर भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिएगा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको कुछ समझने में कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, चोरः किं चोरयितुं समर्थः न भवति। चोर क्या चुराने में समर्थ नहीं होता है? तो उत्तर होगा विद्याम, विद्या को चुराने में चोर समर्थ नहीं होता। के भूमौ भारभूताः भवन्ति, भूमि पर भार के समान कौन होते हैं? तो विद्याहीनाः, जो विद्या से हीन है, अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, जिन्होंने विद्या ग्रहण नहीं की है, वो भूमि पर भार के समान होते हैं। जनकस्य समीपे किम नास्ति, पिता के पास क्या नहीं था? आपने पाठ पढ़ा है उष्ट्रस्य मूल्यम, तो उसमें उसके अनुसार जनक के समीप क्या नहीं था? तो उत्तर होगा धनम, धन नहीं था पिता के पास। पुत्रः किं क्रेतुं कथयति, पुत्र उनसे क्या खरीदने के लिए कहता है? तो उत्तर था उष्ट्रम, उष्ट्रः ऊंट। ब्राह्मणः कुत्र प्राणिनः अपश्यत, ब्राह्मण ने प्राणियों को कहाँ पर देखा था? कूपे, कुएं में। कह ब्राह्मणस्य हानि न करिष्यति, कौन ब्राह्मण की हानि नहीं करेगा? तो उत्तर होगा व्याघ्रः। ब्राह्मणः किम् आनीतुं वने अगच्छत, ब्राह्मण क्या लाने के लिए वन में गया? तो उत्तर होगा फलानि। ब्राह्मणः कस्य परीक्षा कर्तुं वांछति स्म, ब्राह्मण किसकी परीक्षा करना चाहता था? उत्तर होगा व्याघ्रस्य। राजा ब्राह्मणम् किम् दत्त्वा प्रेषितः, राजा ने ब्राह्मण को क्या देकर भेजा? उत्तर होगा धन, धन देकर राजा ने ब्राह्मण को भेजा। कारागारे तस्य सहायकः कः अभवत्, कारागार में उसका सहायक कौन हुआ? तो उत्तर है सर्पः, सांप, कारागार में उसका सहायक हुआ। अगला प्रश्न है, उचित पदों से श्लोक की पूर्ति कीजिए। तो ये पाठ को पढ़कर आप स्वयं भी कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं इसको बता देती हूँ। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः, अकुलिनो अपि विद्यावान देवैरपि सपूज्यते। माता शत्रु पिता येन वालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। और इस पाठ की हिंदी व्याख्या यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हो, आपको इससे पिछले सभी पाठों की हिंदी व्याख्या मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स भोजनाय किमपि न अलभत, उसे भोजन के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अहम अपि डैश कर्तुम इच्छामि, मैं भी, प्रत्युपकार आएगा यहाँ पर। प्रत्युपकार होता है किसी के एहसान को उतारना या किसी के उपकार के बदले में उस पर पुनः उपकार करना, प्रत्युपकार कहलाता है। तो ये बालकान न पाठयति ते डैश शत्रु भवति, जो बालकों को नहीं पढ़ाते वे तेषाम आएगा यहाँ पर, वे उनके शत्रु होते हैं। राजा डैश कारागारे अक्षिपत, राजा ने किसे कारागार में डाला था? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मणम आएगा यहाँ पर। अद्य मम समीपे डैश रूप्यकाणि सन्ति, आज मेरे पास 10,000 रूप्यकाणि सन्ति, आज मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ये होगा इसका उत्तर। प्रश्न चार, उचित धातु रूपेण सह मेलियत, यहाँ भक्षिष्यसि क, तो इसका उत्तर है भक्ष धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, अकरोत क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, इच्छामि में इष धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, दशति में दश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, अलभत में लभ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, ददाति में दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन, चरन्ति में चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, और शक्नोमि में शक धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। उसके बाद प्रश्न पांच देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद करना है आपने। नालभत का न जमा अलभत, अकुलिनो अपि अकुलिनः जमा अपि,
मृगाश्चरन्ति मृगाः जमा चरन्ति प्रत्युपकारं प्रति जमा उपकारं एवं उक्ता एवं जमा उक्तवा इतस्ततः इतः जमा ततः तत्रागतः तत्र जमा आगतः और सर्वम एव का होगा सर्वम जमा एव। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत विद्याधन सबसे बड़ा धन है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम ब्राह्मण ने सबकी सहायता की ब्राह्मणः सर्वेषां सहायताम अकरोत राजा ने उसे पुरस्कार दिया राजा तम पुरस्कारम अयच्छत विद्वान का सब जगह आदर होता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते या विद्वान सर्वत्र आदरणीय। मेरे पास खरीदने के लिए धन नहीं है मम पार्श्वे क्रेतुम धनम नास्ति उसने मुझे स्वर्ण आभूषण दिए स मह्यम स्वर्ण आभूषणानि अयच्छत सांप के काटने से वह मूर्छित हो गई सर्पस्य दंष्टेन सा मूर्छिता जाता वैद्यों ने उसका उपचार किया वैद्याः तस्याः उपचारं कृतवन्तः ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उष्टाः मरुप्रदेशस्य जलपोताः कथ्यन्ते या जलपोतः कथ्यन्ते हम सब विद्या प्राप्त करेंगे वयम सर्वे विद्याम प्राप्नुयामः। तो ये रहा इसका पुनरावृत्ति वाला भाग। इसे आगे वाले पाठ के हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।